अयोध्या हूँ, अयोध्या हूँ, अयोध्या हूँ, अयोध्या हूँ। राम के चरण रज की अयोध्या, विश्व की प्राचीनतम नगरी, सभ्यता और संस्कृति की जननी। यहाँ से भारतीय संस्कृति फैली है दुनिया के कोने कोने में। इक्ष्वाकु वंश राजाओं की राजधानी अयोध्या, यहीं राम के पिता राजा दशरथ ने राज किया। यहीं श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। यहीं बहती है सरयू, गंगा जमुनी तहजीब का संगम सरयू। युग युग से आस्था और विश्वास की प्रतीक पुण्य सलिला सरयू। वेद में मुझे ईश्वर का नगर बताया गया है। अष्ट चक्र नवद्वारा देवानाम पुर्योधा, और मेरी संपन्नता और कीर्ति की तुलना स्वर्ग से की गई है। हनुमानगढ़ी मेरी सरहदों की निगहबान है, तो सरयू मेरी पवित्रता की सौगंध। सदियों के तारीखी सफर में अंधेरे और उजाले मेरे हम सफर रहे हैं। मेरी गोद में संस्कृतियां इठलाती हैं, तभी तो आज भी मेरे आंगन में हिंदू, बौद्ध, इस्लाम और जैन धर्म से जुड़े अवशेष देखे जा सकते हैं। हिंदुओं के लिए रामलला, हनुमंत लाल और नागेश्वर नाथ आस्था के पावन केंद्र हैं। मुस्लिमों के पैगंबरों, जैनियों के तीर्थांकरों और बौद्धों के धर्म गुरुओं का केंद्र भी यही है। हाँ, मैं वही अयोध्या हूँ जो समय समय पर विदेशी आक्रांताओं के हमलों के बावजूद भी वजूद बचाने में कामयाब रही। इतिहास के पन्नों में मेरे संघर्षों की अनेक दास्तानें दर्ज हैं। मेरे पुत्रों ने मेरे लिए अपना बलिदान देने में कभी देर नहीं की। मेरी गलियों में ही बौद्ध और जैन पंथ फला फूला। 5 जैन तीर्थांकर यहीं जन्मे। इनके मंदिर भी तो बने हैं यहाँ। सनातन संस्कृति के अन्य आयामों से लेकर जैन, बौद्ध, सिख और सूफी परंपरा तक की जड़ें व्याप्त हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव अयोध्या राज परिवार के थे। कोई 5000 वर्ष बाद अयोध्या में प्रथम तीर्थांकर की विरासत जीवंत है। रायगंज मोहल्ले में न केवल उनका भव्य मंदिर और विशाल प्रतिमा स्थापित है, बल्कि कटरा मोहल्ले में भी उनका मंदिर है। बौद्ध परंपरा में भी अयोध्या का स्थान महत्वपूर्ण है। बौद्ध ग्रंथ दीप वंश से ज्ञात होता है कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 45 वर्षों तक धर्म उपदेश किया और उनमें से 16 वर्षावास उन्होंने अयोध्या में किया। अनेक बौद्ध वन एवं विहार भी अयोध्या में होने का वर्णन मिलता है। बुद्ध के करीब 500 वर्ष बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अग्रणी आचार्य अश्वघोष अयोध्या के ही थे। 7वीं शताब्दी में
चीनी यात्री हेनत सांग यहाँ आए। उन्होंने दुनिया भर को मेरी सुख समृद्धि के बारे में बताया। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे और 3000 भिक्षु रहते थे। सिखों की चर्चा के बिना रामनगरी की संस्कृति में समाहित सतरंगी छटा का परिचय पूरा नहीं होता। प्रथम, नवम एवं दशम सिख गुरु समय समय पर अयोध्या आए और नगरी के प्रति आस्था निवेदित की। गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड एवं गुरुद्वारा गोविंद धाम के रूप में सिख परंपरा की विरासत अभी भी जीवंत है। मैं इस्लाम के लिए भी अकीदत का मरकज हूँ। मणि पर्वत के समीप स्थित शीश पैगंबर की मजार, स्वर्ग द्वार स्थित सैयद इब्राहिम शाह की मजार, शास्त्री नगर स्थित नौगजी पीर की मजार से इस रुझान की झलक मिलती है। इस्लाम की परंपरा में अयोध्या को मदीनतुल अयोध्या के रूप में भी संबोधित किए जाने का जिक्र मिलता है। मेरे ही दामन को छूकर बहने वाली मनोरम सरयू के किनारे 14 प्रमुख घाट हैं। हर घाट की अपनी महिमा और कहानी है। इनमें गुप्तार घाट, कैकई घाट, कौशल्या घाट, पाप मोचन घाट, लक्ष्मण घाट आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। मंदिरों में कनक भवन सबसे सुंदर है। लोक मान्यता के अनुसार कैकई ने इसे सीता को मुंह दिखाई भी दिया था। ऊंचे टीले पर हनुमान गढ़ी आकर्षण का केंद्र है, जहां पहुंचकर मिलती है अप्रतिम शांति और बजरंग बली का आशीर्वाद। सरयू के निकट नागेश्वर नाथ का मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है। तुलसी चौरा वो स्थान है जहां बैठकर तुलसीदास जी ने नवमी तिथि मधुमास पुनीता में मंगलवार को ही रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी। प्रहलाद घाट के पास गुरु नानक भी आकर ठहरे थे। मैं वही अयोध्या हूँ जिसकी मिट्टी में राम खेले, जहां राम का जीवन खिला, यहां राम की चरण रज है। जिस जमीन पर राम का राज्य था, जिसके बारे में राम ने कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। यानी हे लक्ष्मण, होगी लंका सोने की, लेकिन ये जो सरयू किनारे मेरी जन्मभूमि है, जहां मैं पैदा हुआ, वो मेरी मातृभूमि मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। वाल्मीकि रामायण में दर्ज इस इतिहास को तुलसीदास ने अवधि में अलग तेवर दिए। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जगुजाना अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जानई को। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। विडंबना देखिए कि उसी अयोध्यापुरी में रामलला अपनी ही जन्मभूमि पर तिरपाल में रह रहे हैं। मरहूम हाशिम अंसारी ने जब कहा
जितने भी नेता हैं सब तो कोठियों में रह रहे हैं और रामलला तिरपाल में रह रहे हैं। मैं रामलला को तिरपाल में देखना नहीं चाहता। खुद तो बढ़िया मिठाई 100 रुपए किलो की खा रहे हैं और रामलला को इलायची दाना खिला रहे हैं, ये नहीं होगा। अब हम हर कीमत पर रामलला को आजाद देखना चाहते हैं। दरअसल ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुस्लिम हूँ, रंजिशों की चौखट पर रोती, पुत्र रक्त से नहलाई गई माँ हूँ। प्रेम धर्म बतलाने वाली जीवन की घोर निराशा भरी शाम हूँ। अयोध्या जी का महत्व तो ये सदियों से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रहा है, लेकिन जब से मंदिर और मस्जिद ये समस्या आया तभी से अयोध्या का विकास प्रायः रुक गया है। इसमें पूरे देश से पर्यटक आते हैं और पिलग्रिम्स आते हैं, हम जाते हैं, वह धार्मिक लाभ लेने के लिए। यहाँ राम जन्मभूमि है, हनुमान गढ़ी है, कनक भवन है, नागेश्वर नाथ है, सरयू जी मेन हैं, उसका लाभ लेने के लिए उनको लाभ मिलता भी होगा, मिलता है। लेकिन समस्या ये है कि नेता लोगों ने इसको उलझा रखा है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामला, राम जन्मभूमि पर अगर राम जी का मंदिर नहीं बनेगा तो मक्का मदीना में तो नहीं बन सकता। हाँ मैं अयोध्या हूँ। प्राचीन काल में मुझे कौशल देश भी कहा जाता था। मेरी गलियां तंग हैं, सरयू तक मैली हो गई है, हरियाली गायब हो रही है। हाँ मैं घायल अयोध्या हूँ। मैं शायद बूढ़ी हो गई हूँ, तभी तो लोग मेरी कद्र नहीं करते। एक दिन सीता को दोषी कह देश से निकाला गया तो मैं उस दिन भी रोई थी, मैं आज भी रोती हूँ। पर ना तब किसी ने मेरी सुनी थी और ना आज कोई मेरी सुन रहा है। आरजू है कि काश कोई मेरी भी आवाज सुने, मेरे दिल के जख्मों को महसूस करे, पेड़ पौधों से मेरे आंगन को आबाद कर दे, मेरी सांस्कृतिक विरासत को फिर से पहचान मिले, मेरी पाप विनाशिनी सरयू को फिर से निर्मल कर दे कोई, हर मंदिर और मस्जिद को फिर से पाक बना दे, मुझे रामराज्य के वे दिन लौटा दे। कोई है जो मेरी फरियाद सुनेगा, फरियाद सुनेगा, फरियाद सुनेगा, फरियाद सुनेगा। अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। हिंदू पक्ष को विवादित ढांचा पूर्ण रूप से दे दिया गया है और मुस्लिमों के लिए 5 एकड़ प्लॉट अयोध्या के अंदर अन्यत्र देने की बात कही गई है। जहां पर अभी जिस चबूतरे पर रामलला विराजमान है ठीक वही स्थान जो है वो गर्भगृह होगा, गर्भ स्थान होगा। राम कले के नाम करेंगे चलो राम का काम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ राम कले के नाम करेंगे चलो राम।